और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, नए मंदिर में पहुंचे रामलला विराजमान। रामलला विराजमान को नए मंदिर में ले जाया गया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर ले जाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम की आरती के बाद 9 बजे ले जाया गया आज रामलला विराजमान और नई मूर्ति पहली बार साथ में सोएंगे मंदिर में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी देख सकते हैं आप, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नए मंदिर में पहुंचे हैं रामलला विराजमान और रामलला विराजमान को नए मंदिर में ले जाया गया वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शाम की आरती के बाद 9 बजे ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, नए मंदिर में रामलला विराजमान को ले जाया गया है शाम की शयन आरती के बाद, अब नए मंदिर में विराजमान कर दिया गया है और कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है नई प्रतिमा की, नई मूर्ति की। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो पूरे देश में काफी उत्साह है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गजब का उत्साह इन सबके बीच। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम की आरती के बाद प्रभु श्री राम को पहुंचा दिया गया है मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि आज भी वो लगातार अयोध्या में मौजूद रहे, समीक्षा बैठकें उनकी तरफ से की गई और समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने सैंड आर्ट भी देखा, सैंड आर्ट के साथ सेल्फी भी ली, उसके बाद अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा भी लिया, उनसे बातचीत भी की। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। अनुपम, क्या जानकारी? जी एक बार अपना सवाल दोहराएं एक बार। बिल्कुल अनुपम, बताया जा रहा है कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला को पहुंचा दिया गया है मंदिर में शाम की आरती के बाद, क्या जानकारी? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से जो नई मूर्ति थी वो तो पहले ही मंदिर में पहुंच चुकी थी, लेकिन जहां पर अभी तक दर्शन हो रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से 20 तारीख की शाम तक जहां पर अस्थायी रूप से रामलला विराजमान थे वहां पर दर्शन हो रहे थे, तो अब शाम की आरती के बाद जो रामलला विराजमान थे उनको नए मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारों पूजा पाठ के साथ उनको ले जाया गया है। और अब जो नई मूर्ति है जिसकी कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है और रामलला विराजमान दोनों एक ही मंदिर में, नए मंदिर में पहुंच चुके हैं और आज वो वहां पर भी वहां पर सोएंगे। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से इस तरह की चर्चाएं थी कि जब नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पुरानी मूर्ति को कहां पर रखा जाएगा, तो इसको लेकर के जो ट्रस्ट के सदस्य हैं और जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जो नई मूर्ति है उसके बराबर में ही जो स्थान है वहां पर ही रामलला विराजमान को, जो पुरानी मूर्ति है उसको वहां पर रखा जाएगा। और अभी वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ कुछ ही देर पहले 9 बजे के आसपास ही आपको बता दें कि रामलला विराजमान को नए मंदिर में ले जाया गया है और पूजा पाठ करके वहां पर जो नई मूर्ति है उसके पास में ही रामलला विराजमान को रखा गया है। और कल प्राण प्रतिष्ठा जो होगी वो दोनों की होगी, पूजा जो होगी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पुरानी मूर्ति की भी पूजा होगी। ये बात मुख्य पुजारी के द्वारा साफ तौर पर कही गई है कि दोनों ही मूर्तियों की वहां पर पूजा की जाएगी, नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो पूजा होगी वो दोनों ही मूर्तियों की होगी। रामलला विराजमान भी अब नए मंदिर में पहुंच गए। ठीक है अनुपम, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।